अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत मज़े में होंगे। तो आज की जो रेसिपी है वो है बहुत ही फेमस फास्ट फूड की रेसिपी, आलू टिक्की बर्गर। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसानी से बनने वाला है बर्गर की रेसिपी है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बना सीख लेते हैं। इसी तरह की और भी मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब का लाल बटन ज़रूर दबाएँ और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी, वो भी फ्री में। जिसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर वेज पैटी यानी कि आलू की टिक्की तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें यहाँ पर हम 2 चम्मच के करीब तेल ऐड करेंगे। और तेल गर्म होने के बाद इसमें यहाँ पर हम 1/2 छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे। और जीरा ऐड करने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पिसा हुआ पेस्ट। और इनको अपन यहाँ पर भूनेंगे कुछ सेकंड के लिए। तो यहाँ पर कुछ सेकंड अदरक लहसुन को भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पर मटर, हरी मटर हमने ऐड की है। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर थोड़ी सी बारीक कटी हुई कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च। आप चाहें तो जौन सी भी सब्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप इसमें गाजर ऐड कर सकते हैं, पत्ता गोभी ऐड कर सकते हैं। इनको हम भून लेंगे यहाँ पर 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो 1 मिनट के बाद इसमें यहाँ पर हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहला इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक। नमक ऐड करने के बाद 1/2 छोटी चम्मच इसमें डाल देंगे हम लोग लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, और इसमें डाल देंगे हम लोग 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। इसके बाद इसे हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा का पाउडर और इनको मिक्स कर लेंगे मसालों को। तो यहाँ पर मसालों को मिक्स करने के बाद इसमें हम आलू ऐड करेंगे। तो इसमें हम यहाँ पर 1/2 किलो हमने आलू लिए हैं, जिनको हमने यहाँ पर उबाल कर अच्छी तरह से मैश कर लिया है। वो हम सारे आलू इसमें ऐड करेंगे। और इनको मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम आलू को मसाले के साथ ही पकाएंगे, जिससे कि हमारे जो आलू है वो अंदर तक यहाँ पर अच्छी तरह से चटपटे और मसालेदार हो जाएं। तो इनको इस तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट आलू को पकाने के बाद मसालों में इसमें हम यहाँ पर ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। एंड में धनिया ऐड करेंगे खूब सारा और इसको मिक्स कर देंगे। धनिया की खुशबू और धनिया देखने में जो है बहुत मज़ेदार लगता है, अगर आप किसी भी चीज़ पर इसको ऐड करते हैं। तो हमारा मिक्स हो चुका है। अब इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने आलू को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारे आलू जो है ठंडे होते हैं, इतने यहाँ पर हम 2 तरह की सॉस डिप बना लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक कटोरी में 2 चम्मच मेयो यानी मेयोनीज ऐड करेंगे। और मेयोनीज ऐड करने के बाद इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर 2 चम्मच टमाटो कैचअप। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारी पहली डिप तैयार हो चुकी है, एकदम बढ़िया तरीके स्मूथ डिप हमने बनाई है। अब हम दूसरी डिप बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर दूसरा बाउल लिया है, इसमें यहाँ पर 2 चम्मच हम मेयो ऐड करेंगे मेयोनीज। और मेयोनीज ऐड करने के बाद इसमें यहाँ पर हम डालेंगे पुदीने की चटनी 1 चम्मच। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं मिंट मेयो डिप। तो यहाँ पर हमारी मिंट मेयो डिप भी तैयार है, देखिए एकदम बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर हमारे जो आलू हैं अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब इसमें यहाँ पर हम 2 चम्मच अरारोट ऐड करेंगे। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर या मैदा भी ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे, ये टिक्की को एक करारापन और एक क्रिस्पीनेस देगी। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेड क्रम, ये हमने घर पर ही बनाया है ब्रेड क्रम। ब्रेड में यहाँ पर हमने हल्दी मिलाकर अच्छी तरह से इसको पीस दिया है ग्राइंडर में, वो इसमें ऐड करेंगे। और इसको हम मिक्स करेंगे आपस में अच्छी तरह से। तो यहाँ पर अरारोट और ब्रेड क्रम आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसकी हम टिक्की बनाएंगे।
तो इस तरह से यहाँ पर लेकर हम बैटर को अच्छी तरह से इसको गोल करेंगे। तो इस तरह से साइड में से हम इसको हाथ से इस तरह से मोटा कर देंगे। तो देखिए हमारी आलू जो पैटी है बिल्कुल बनकर तैयार है, बर्गर बन के साइज़ की यहाँ पर हम बनाएंगे। अब यहाँ पर हम आलू पैटी के लिए एक स्लैरी बनाएंगे। स्लैरी मतलब यहाँ पर मैदा और पानी का घोल होता है। तो यहाँ पर हम इसमें 3 चम्मच के करीब मैदा ऐड करेंगे। अब हम इस स्लैरी में आलू की टिक्की को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक आलू की टिक्की ली है। हम आलू की टिक्की को अच्छी तरह से कोट करेंगे इस स्लैरी में इस तरह से। और इसके बाद हम इसको डालेंगे यहाँ पर सीधे ब्रेड क्रम्ब में जो हमने घर पर ही बनाया है ये। और दूसरे हाथ से इसको हम यहाँ पर अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे टिक्की को। इस तरह से इसको हम अच्छी तरह से कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब में। तो ये हमारी अच्छी तरह से टिक्की ब्रेड क्रम्ब में कोट हो चुकी है। इसी तरह से हम बाकी बची हुई सारी आलू पैटी को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने आलू की पैटी को अच्छी तरह से कोटेड कर लिया है ब्रेड क्रम्ब में। तो अब बारी है इनको डीप फ्राई करने की। इसके लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल लिया है। तो यहाँ पर हम तेज़ फ्लेम में यहाँ पर टिक्की को डीप फ्राई करेंगे। तो इसमें हम यहाँ पर ऐड कर देंगे टिक्की। इसको भी हम पलटेंगे नहीं, दूसरी तरफ से बाद में इसको पलटेंगे। तो पहले इसी तरह से पकने देते हैं इसको एक तरफ से। और यहाँ पर 30 सेकंड के बाद इसको हम पलट देंगे दूसरी तरफ से भी। और इसको दूसरी तरफ से भी हम यहाँ पर डीप फ्राई करेंगे। तो देखिए दूसरी तरफ से अच्छी तरह से यहाँ पर जो है इसके सुनहरापन आ चुका है, अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है दूसरी तरफ से। तो इस तरह से 30 सेकंड तक ही इसको हम यहाँ पर डीप फ्राई करेंगे, क्योंकि हमारे आलू तो ऑलरेडी पके हुए हैं। तो यहाँ पर हमारी आलू पैटी तैयार है, अब इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी आलू की टिक्कियाँ बिल्कुल बनकर तैयार है। अब सिर्फ बारी है यहाँ पर बर्गर को असेंबल करने की, यानी बर्गर तैयार करने की। इसके लिए हमने यहाँ पर एक बर्गर बन लिया है जिसको हमने यहाँ पर बीच में से कट कर लिया है। अब इसको हम यहाँ पर हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे। हमने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें यहाँ पर हम 1 चम्मच देसी घी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो बटर डाल सकते हैं, आप मर्ज़ी मुताबिक जो आपका मन करे आप वो करिए। और यहाँ पर घी गर्म होने के बाद इसमें को यहाँ पर हम बन को इसमें रख देंगे। और इसको हम यहाँ पर हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। बर्गर का जो बेस का पार्ट है यानी नीचे वाला पार्ट है उसको हमने यहाँ पर लिया है। और इस पर यहाँ पर लगाएंगे हम लोग मस्टर्ड सॉस। और इसको स्प्रेड करेंगे। और मस्टर्ड सॉस स्प्रेड करने के बाद इस पर यहाँ पर हम लेट्यूस यानी सलाद पत्ता रख देंगे। इस तरह से दोनों बर्गर पर हम लेट्यूस रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसमें हम चिली मेयो ऐड करेंगे जो हमने बनाई है, टमाटो केचप और मेयोनीज को मिलाकर जो हमने डिप बनाई है वो इसके ऊपर 1 चम्मच ऐड करेंगे। और चिली मेयो ऐड करने के बाद इस पर हम आलू पैटी ऐड करेंगे। और आलू पैटी रखने के बाद इस पर हम रखेंगे यहाँ पर चीज़ स्लाइस। और चीज़ स्लाइस ऐड करने के बाद इस पर हम रखेंगे यहाँ पर टमाटो। और टमाटो के साथ ही यहाँ पर हम प्याज भी रखेंगे इस पर। आप चाहें तो इस पर खीरा भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इस पर हम डाल देंगे यहाँ पर चाट मसाला, थोड़ा थोड़ा चाट मसाला इस पर स्प्रेड करेंगे अच्छी तरह से। तो चाट मसाला ऐड करने के बाद इस पर हम डालेंगे मिंट मेयो, यानी कि जो हमने मिंट और मेयो की चटनी बनाई है डिप बनाई है वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। 1-1 चम्मच दोनों के ऊपर ऐड करेंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है बन का उसके ऊपर हम टमाटो केचप लगाएंगे इस तरह से। और इसको स्प्रेड कर देंगे। और इसके ऊपर हम यहाँ पर इस तरह से स्प्रेड करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे।
तो यहाँ पर हमारे वेज बर्गर बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बनने वाली यह रेसिपी है, इसको आप घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारी इस रेसिपी को इंजॉय कीजिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और जल्दी लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। जब तक खुश रहिए, मज़े में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।